मुद्दे हैं। उत्तराखंड में 2022 में नव निर्माण जिसे हम बोल रहे हैं उसको पूरा करने हैं। मंत्री साहब ने बोला कि बिजली फ्री के बारे में हम अपनी अधिकारियों को बोलेंगे कि कोई तरीका बनाए, ये वादा तो नहीं होता। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से यहाँ पे कामयाब होती हुई दिख रही है उत्तराखंड में, तो उन्होंने कहा बिजली फ्री हम भी कर देते हैं। अगर बिजली फ्री की बात कर रहे हैं तो हम तो सुझाव मांग लें, हम उनकी जरूर मदद करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ 31 में आपका स्वागत है और आज हम बातचीत करेंगे उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। सत्ता और विपक्ष जहां तैयारी में जुटा है तो वहीं तीसरे मोर्चे के रूप में आम आदमी पार्टी भी पूरी तैयारी में जुटा है। आज रामनगर में पहुँचे हैं कर्नल अजय कोठियाल, जिनके द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम यहाँ किया गया है और युवाओं ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान उनसे कराया, तो हम बातचीत करेंगे खास मुलाकात में कर्नल अजय कोठियाल जैसे कि उत्तराखंड में होने वाले 2022 के चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे और आज जो युवा संवाद कार्यक्रम हुआ है किस प्रकार के युवाओं ने सवाल रखे हैं और किस प्रकार के उनको जो है जवाब दिया गया है। कोठियाल जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 31 में। और 2022 में जो चुनाव चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी ने भी 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है और वर्तमान में सत्ता और विपक्ष दोनों ही अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और जो आज जनसंवाद कार्यक्रम हुआ है उसको लेकर युवाओं ने किस प्रकार के सवाल आपके सामने रखे? जो सवाल युवाओं ने रखे हैं हमारे सामने और जो हमने बात करने की कोशिश करी है वही सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो हमारे मुद्दे हैं। उत्तराखंड में 2022 में नव निर्माण जिसे हम बोल रहे हैं उसको पूरा करने के, इसमें बड़े बेसिक हैं हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार, बिजली, पानी, उसके बाद में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हिमालय की हैं जो हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं उनको कैसे हम एक शेप दे करके पहाड़ों में लेकर के आए। और ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मैं रॉकेट के आविष्कार का कोई तरीका बताने की बात कर रहा हूँ। पहाड़ी क्षेत्रों में ना, पहाड़ी स्टेट में ये सब चीज़ें हो रखी हैं अच्छे तरीके से, हिमाचल में हो रखी हैं, सिक्किम में हो रखी हैं, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकती? जबकि उत्तराखंड के लोग भी उतने ही समझदार, उतने ही जज्बे, उतने ही होशियार हैं। उस चीज़ को हमने अपना एजेंडा बना के लेके चलना है। कोठियाल जी, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी ने 200 यूनिट बिजली और पानी फ्री किया है, तो आप भी जो है लगातार यहाँ कांग्रेस ने भी कहा कि यदि सरकार में आए तो बिजली फ्री करेंगे, लेकिन उससे पहले भाजपा ने भी जो है 100 यूनिट बिजली देने का वादा जनता को किया है, तो इसको आप कहाँ तक सही मानते हैं? नहीं, वादा कहाँ करा है, मतलब पहले मंत्री साहब ने बोला कि बिजली फ्री के बारे में हम अपनी अधिकारियों को बोलेंगे कि कोई तरीका बनाए, तो ये वादा तो नहीं होता। उसके बाद में उन अधिकारियों को बोला जा रहा है जो कि जिन्होंने कानून बनाया कि बिजली उत्तराखंड में कैसे और महंगी होती जा रही है। आज एक तरफ तो वही अधिकारी कानून बना रहे हैं कि बिजली महंगी कैसे होती जा रही है, दूसरी तरफ उनको बोला जा रहा है कि अधिकारियों को कि तुम तरीका बताओ कि बिजली फ्री कैसे हो सकती है। उन्होंने क्या करा है, पहले तो वो बोलते रहे कि फ्री 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 क्यों करते रहती है आम आदमी पार्टी, और वो कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आया कि क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो गवर्नेंस के तरीके हैं वो अच्छे हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से यहाँ पर कामयाब होती हुई दिख रही है उत्तराखंड में, तो उन्होंने कहा बिजली फ्री हम भी कर देते हैं। दिल्ली के मॉडल के बेसिस से बोल रहे हैं, अगर फ्री करने वाली बात है तो उत्तराखंड में बिजली बनती है, दिल्ली में तो बिजली बनती भी नहीं, वहाँ पे जाकर के फ्री हो रखी है। यहाँ तो फ्री क्या है, यहाँ तो ऑथराइज है हम लोगों को बिजली। अगर इस तरीके की बातें करी जाती हैं तो इनमें तो कोई दम होता नहीं। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने अभी बोल दिया कि ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, प्रपोजल आएगा तो उसको उसमें अपने कमेटी में लाएंगे, उसके बाद कैबिनेट में पास कराएंगे। तो ये तो, हाँ मैं ये कहता हूँ आपके जरिए अगर ऐसा है तो, अगर बिजली फ्री की बात कर रहे हैं तो हमसे सुझाव मांग लें, हम उनकी ज़रूर मदद करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की समाज के सामने अच्छी छवि भी बनेगी। कोठियाल जी, उत्तराखंड में मुख्य मुद्दा बेरोजगारी और पलायन का है, युवा खास तौर से इससे परेशान है, तो उसको लेकर अगर यदि आपकी सरकार बनती है तो इससे आप कैसे दूर होंगे, हटेंगे? रोजगारी जो इतनी वैकेंसीज हैं वो सारी पूरी करनी है। इसमें ऐसा क्यों है कि जब वैकेंसीज हैं और वो पूरी नहीं करी जा रही, मतलब अगर वैकेंसी है तो इसका मतलब बजट में आता है ना, ये तो बजट को इल प्लानिंग कैसे करी जा रही है, कैसे हम ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दे रहे हैं कि कोर्ट को मजबूर होकर के रोक लगानी पड़ रही है सिस्टम्स में। तो ये सिस्टम फेलियर है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिस्टम को सही तरीके से चलाना है, अपने आप रोजगारी अपने आप बढ़ेगी। धन्यवाद। तो आपने सुना है कि उत्तराखंड में 2022 के चुनाव को लेकर आपका कहना है कि पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव में हम उतरेंगे, और उन्होंने कहा कि जो उत्तराखंड सरकार ने वर्तमान में 100 यूनिट बिजली देने का जो जनता को वादा किया, जनता को भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सरकार जनता को बिजली फ्री देना चाहती है तो आम आदमी पार्टी से सुझाव ले सकती है। फिलहाल
उन्होंने सत्ता और विपक्ष पर जो है कई आरोप लगाते हुए कहा कि आने वाले 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।